नमस्कार दोस्तों, राकेश हारमोनिका के इस लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फिल्म अब्दुल्ला का एक गीत, रफ़ी साहब का गाया हुआ, आनंद बख्शी जी के बोल हैं और आर डी बर्मन साहब का संगीत, संजय और जीना तमान जी के ऊपर फिल्म आया हुआ गीत है। गीत के बोल हैं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। गीत की फरमाइश सोहिनी जोशी जी ने की है, खूबसूरत गीत है। और अब इस गीत का जो ओरिजिनल स्केल है वो मेरे हिसाब से जी शार्प मेजर है, तो उसके बोल, उसके जो नोट्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। लेकिन चूंकि हम सरगम हिंदी नोटेशंस सिस्टम से चल रहे हैं अब तक, तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो और सब लोग ज़्यादातर सी की के हारमोनिका पे बजा रहे हैं, इसलिए मैं अगर डी नोट है तो उसको रे लिखता हूँ। और टेक्निकली बहुत सही नहीं है वैसे, लेकिन फिर अगर मैं सा को हिंदुस्तानी संगीत के हिसाब से शिफ्ट करता रहूँगा तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो या तो इंग्लिश नोटेशंस को फॉलो करें तो वो बिल्कुल सही होगा, सी डी ई एफ, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते ज़्यादातर लोग, और चूंकि हम सारे गामा से ज़्यादा परिचित हैं इसलिए मैं यही नोटेशंस फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली ये कोशिश यही है कि आप गीत को बजा सकें और सी की के हारमोनिका पे बजा सकें, उसी हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ। तो अब आप इसके जो जी शार्प मेजर के हिसाब से अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको नोट्स ऐसे मिलेंगे जो क्रोमैटिक नोट्स होंगे, तो सी को ध्यान में रखते हुए मैं ये गीत सी शार्प करके बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोटेशंस ऐसे रहेंगे जो कि अगर आप स्लाइडर को प्रेस करके बजाएंगे तो आपको आसानी होगी। मेरे पास ये ऑलरेडी जो रिवर्स किया हुआ एक हारमोनिका है उस पर मैं बजाऊंगा। वैसे आप अपने हारमोनिका पे स्लाइडर को प्रेस करके गीत को बजाएंगे इन नोटेशंस को, अदरवाइज आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब ये है कि जो भी नोटेशंस आपने लिखे हैं उसको आप जैसे जहाँ पे कोमल धा है उसको आप एक सेमी टोन डाउन कर देंगे तो वो प बन जाएगा, उसी तरह से हर एक नोट को जितना आपने पहले नोट को शिफ्ट किया है उतना ही हर नोट को शिफ्ट करके आपको लिखना पड़ेगा और तब आप बिना स्लाइडर प्रेस किए बजाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बजा कर दिखाता हूँ और उसके बाद नोटेशंस देता हूँ आपको। चलिए मुखड़े की पहली लाइन से शुरू करता हूं। मैंने पूछा चांद से, कोमल ध,
अगर स्लाइडर पर आप प्रेस करेंगे तो पाव बजाते समय आपको स्लाइडर प्रेस करने पे कोमल धा मिल जाएगा जो कि ब्लो करने से बजेगा। धा 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 कि देखा है कहीं, नी मा मा धा नी 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 मा मा धा नी नी। नी कोमल, मा तीव्र, धा और नी फिर कोमल, तो सारे के सारे क्रोमैटिक नोट्स हैं। मेरे यार साहसी धानी धानी मामा धानी नी धानी मामा धानी नी। यहां भी मा तीव्र, बाकी कोमल स्वर। चांद ने कहा रे रे सा नी नी सा, रे रे सा नी नी सा, चांदनी की कसम। नी 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 सा नी धा धा नी 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 सा, नहीं नहीं नहीं। रेनी रेनी मधा, मैंने पूछा चांद से। तो ये इसका मुखड़ा हो गया और अब अंतरा। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, अपर ऑक्टेव के कोमल ग से। गमा गरे अब मा का नोट जो है वो यहां पे शुद्ध मा है, तो हम जानते हैं कि अगर शुद्ध ग बजाते समय स्लाइडर प्रेस करेंगे तो मा मिल जाता है। उसी तरह शुद्ध नी बजाते समय हम अगर स्लाइडर प्रेस करते हैं तो हमको सा, अगला सा मिल जाता है। तो ये नोट भी आप स्लाइडर को प्रेस करके मा बजाना चाहें तो आप ग बजाइए तो वहां आपको मिल जाएगा। गमा गरे रे रे गरे सा, धसा नी नी रे नी, गमा गरे रे रे तेरे गरे सा, धसा नी नी रे ढूंढा। जो लास्ट में एक हायर नोट लगता है इसलिए नी नी रे। शबाब तेरा ढूंढा रे गरे सा, रे गरे सा, सा सारे ने सा सारे सानी धा धा धा। अगली दो लाइंस जो हैं वो इन्हीं दो लाइंस की तरह रिपीट होंगी, हालांकि बोल अलग है। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। तो ये उसी तरह से रिपीट होंगी फर्स्ट टू लाइंस की तरह, और फिर अंतरा एक तरह से एंड हो जाएगा और इसके आगे के जो बोल हैं वो मुखड़े से मिल जाएंगे।
मैंने पूछा बाग से धा 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 धा। धा 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 फलक हो या जमी, नी मामा धा नी नी, ऐसा फूल है कहीं, धानी मामा धानी नी। बाग ने कहा रे रे सास सानी निसा, हर कली की कसम नी नी निसा, नी धा धा नी नहीं नहीं नहीं, रेनी रेनी मधा। मैंने पूछा चांद से, तो इस तरह से सॉन्ग एंड हो जाएगा। तो क्रोमैटिक स्केल है ये, एक तरह से सारे के सारे नोट्स आपको स्लाइडर को प्रेस करके बजाने हैं, या आपके पास अगर स्लाइडर रिवर्स किया वो कोई हारमोनिका है तो आप उस पर बजा सकते हैं, फिर आपको आसानी होगी। और अदरवाइज मैंने बताया आपको, आप हर नोट को डाउन करें और फिर देखें कैसा आपको लगता है। तो दोनों तरीके हैं, आप कोशिश कीजिए और फिर बजाने के बाद बताइए आपको कैसा लगा ये नोटेशंस। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। आज के इस लेसन को देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बस अपनी संगीत की जर्नी इसी तरह से उस पर चलते रहिए और आनंद लेते रहिए। Thanks once again for watching, and bye-bye.